सो हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन और आप सभी का फिर से स्वागत है गाइस इस नए वीडियो में। तो गाइस, वैसे तो आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे, लेकिन उनमें से एक वीडियो होता है गाइस सिनेमैटिक वीडियोस, जिसमें जो सिनेमैटिक फ्रेम होता है वो वीडियो की काफ़ी क्वालिटी को बढ़ा देती है और काफ़ी आकर्षक लगता है वीडियो। तो इस तरह की वीडियो आप अपने मोबाइल से कैसे बना सकते हो गाइस, वो भी काइन मास्टर एप्लीकेशन के द्वारा। तो गाइस, उसी के बारे में इस वीडियो में मैं पूरा बताने वाला हूँ, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए गाइस। इससे पहले गाइस, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस भी चैनल में इसी तरह के कमाल की वीडियो देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैंने काइन मास्टर को ओपन कर लिया है और इसके टाइमलाइन में एक वीडियो को मैं यहाँ पर लाकर रख दिया हूँ। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि इस वीडियो में हम सिनेमैटिक वाला जो फ्रेम होता है उसको कैसे लगा सकते हैं। तो गाइस, सिनेमैटिक फ्रेम लगाने के लिए, सिनेमैटिक एनिमेशन फ्रेम लगाने के लिए हमको यहाँ पर लेयर के ऑप्शन पर जाना होगा। लेयर के ऑप्शन पर जाने के बाद गाइस, यहाँ पर एक ऑप्शन और मिल जाता है ओवरले, इसके चले जाना। इसके ऊपर जाने के बाद गाइस, यहाँ पर मैंने दो प्रकार का यहाँ पर सिनेमैटिक ओपनिंग और सिनेमैटिक फ्रेम यहाँ पर मैं डाउनलोड करके रख चुका हूँ। अगर आपको भी इसी तरह के सिनेमैटिक फ्रेम को डाउनलोड करना है तो यहाँ पर गेट मोर का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पर एनिमेशन फ्रेम देखने को मिल जाएगा। हमको सिंपली चाहिए गाइस सिनेमैटिक फ्रेम, तो यहाँ पर फ्रेम का ऑप्शन है, इसके ऊपर टच कर देना। इसके ऊपर टच करने के बाद गाइस, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद गाइस, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा सिनेमैटिक फ्रेम, तो हमको लेना है सिनेमैटिक ओपनिंग। तो सिनेमैटिक ओपनिंग के ऊपर टच कर देना। इसके ऊपर टच करने के बाद गाइस, यहाँ पर आप लोगों को डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। मैं पहले से इसको डाउनलोड करके रख चुका हूँ, इसलिए मेरे में यहाँ पर इंस्टॉलेट करके दिखा रहा है। तो गाइस, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से सिंपली कर सकते हो। अब हम सीधा आ जाते हैं गाइस यहाँ पर वीडियो पर। अब इस वीडियो में मैं उस सिनेमैटिक ओपनिंग फ्रेम को ऐड करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर सिनेमैटिक ओपनिंग के ऊपर टच करता हूँ और यहाँ पर ये वाला जो सिनेमैटिक ओपनिंग फ्रेम है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद गाइस, यहाँ पर जो वीडियो का लेंथ है उतना ही लेंथ इसको भी कर लीजिएगा इस प्रकार से यहाँ तक। और यहाँ पर कॉर्नर में राइट क्लिक टिक है, इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। अब गाइस, इस वीडियो को हम प्ले करके देखते हैं। तो कुछ इस तरह से गाइस आप लोग देख सकते हो, कितना बढ़िया और देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है इस तरह से वीडियो, जो वीडियो की क्वालिटी भी इस सिनेमैटिक फ्रेम से बढ़ जाती है। तो इस तरह से वीडियो आप अपने मोबाइल में काइन मास्टर एप्लीकेशन के द्वारा बना सकते हो गाइस। तो गाइस, आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके आर पर सेलेक्ट कर देना, ताकि हमारे आने वाली की हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे, वो भी सबसे पहले। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखना।